कृपया बैठे, इंडियन डायस्पोरा समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। श्री सुधांशु त्रिवेदी। पीठासीन सभापति महोदय, आज एक ऐतिहासिक बजट के पक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि 1959 से 64 तक जो 6 बार लगातार बजट प्रस्तुत करने का मोरारजी देसाई जी का रिकॉर्ड था, उसे अब तोड़कर 7 बार लगातार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है। और एक और रिकॉर्ड है कि लगातार तीसरी बार जन समर्थन से प्रधानमंत्री बनने का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने यह रिकॉर्ड बनाया है। और यह रिकॉर्ड 60 साल से पहले के रिकॉर्ड की तुलना की जाती है, मगर मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, इस रिकॉर्ड और उस रिकॉर्ड में बहुत अंतर है, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो किसी राजे रजवाड़ों की शान और शौकत के साथ रहने वाले किसी ऐसे नेता का था जिन्होंने महात्मा जी की कृपा से वायसराय से शपथ लेकर मोती के लाल का बना हुआ सरकार नहीं थी, ये अभावों में पैदा हुए राष्ट्रवाद का संकल्प लेकर युवावस्था से स्वयंसेवक बनकर एक चाय बेचने वाले के लाल के नेतृत्व में बनी हुई सरकार तीसरी बार बनने का यह बजट है। महोदय, बजट आंकड़ों का प्रतिबिंब होता है, मगर कुछ लोगों की आंखें ऐसा धोखा खाती हैं कि उन्हें आंकड़े सही समझ में नहीं आते। हमारी सरकार आने से पहले 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, वो कमजोर थी। आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, वो अच्छी है, मगर इनको वो अच्छी और ये बुरी लगती है। जब 74,000 रुपए पर कैपिटा इनकम थी तो वो अच्छा था, अब 2,12,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है तो वो खराब है। 10% महंगाई अच्छी थी, 5% महंगाई खराब है। ग्रोथ रेट 5% से कम थी वो अच्छी थी, और अब ग्रोथ रेट 7.2 और कुछ सीमाओं में 8% है तो वो खराब है। मगर सभापति महोदय, समझा जा सकता है जिनकी संख्या की समझ ऐसी हो कि 99 बड़ा है और 240 छोटा है, 22% वोट अच्छा है, 38% वोट कम है, तो वो सहज ही समझा जा सकता है। जिनकी सोच ऐसी हो कि थर्ड टर्म में गवर्नमेंट बनाना पराजय है और थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट टच न कर पाना ऐतिहासिक विजय है, मुझे लगता है। परंतु एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इतना तो कम से कम उनको अख्तियार मिला है कि पहली बार नेता प्रतिपक्ष का पद उनको मिला है, इस बात के लिए मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं। और राजीव शुक्ला जी ने अभी एक शेर बोलते हुए कहा था ना कि वो शहरत आई है, वो गई भी हो सकती है, तो वो जिस ढंग के लहजे और जिस ढंग के तेवर दिखा रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे यूपी की एक शायरा है इमरान प्रताप गढ़ी जी को याद होगा, उनकी बड़ी फेमस नज्म है कि खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, मगर यहाँ तो उल्टा है, गुस्ताख लब हैं, तनी हैं बौहें, दिलों में नफरत नई नई है, मगर उसके आगे की लाइन है, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जो आके बैठे हो पहली सफ में, यानी फर्स्ट रो में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। तो अब मैं कहना चाहूंगा कि उनको हवा से उतार कर धरातल का कुछ इतिहास बताना चाहता हूं। एक दौर था जब भारत में विकास की दर 1.25 से 2% रहा करती थी और कभी कभी शून्य के पास पहुंच जाया करती थी। आज भारत की विकास दर विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊपर 7% से ऊपर जाकर खड़ी हुई है। एक दौर था जब वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने हम याचक की मुद्रा में खड़े हुए होते थे, और आज स्थिति क्या है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने जुलाई 2023 में कहा है, मैं कोट कर रहा हूं, अमिड ग्लोबल चैलेंजेस आई एम मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया एंड इट्स इकोनॉमी नाउ दैट इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति मैं आशान्वित हूं। महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं पुराने जमाने की एक बड़ी फेमस फिल्म थी जिसमें एक डायलॉग था कि तुम्हारा मुल्क 1970 के आसपास की, ये दो रोटी खाता है तो एक कर्जे की खाता है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। मैं याद दिलाना चाहता हूं आज मोदी जी के नेतृत्व में हालत ये हुई है कि IMF की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल GDP इज 15% एंड इट इज बिकमिंग ग्रोथ अ कंटिन्यूअस टू रिमेन ए ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। सर, 15% के द्वारा ब्राइटेस्ट स्पॉट भारत बना हुआ है, फिस्कल डेफिसिट 4.9% है, करंट अकाउंट डेफिसिट 0.7% है, ऑल टाइम हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऑल टाइम हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। और एक और तथ्य में शायद लोगों ने ध्यान रहा हो, पिछले वर्ष भारत में फॉरेन रेमिटेंस $125 बिलियन का हुआ जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था, चाइना से भी ज्यादा था।
और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि सामान्यतः फॉरेन रेमिटेंस हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से हुआ करता था, जहां हम किसी को छोटा और बड़ा नहीं कहते, पर जहां कहा जाता था सामान्य औसत दर्जे के काम करते थे, पर इस बार 36% जो ग्लोबल रेमिटेंस है वो डेवलप्ड इकोनॉमी यानी अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर से आया, जो दर्शाता है कि भारत की मेधा की सीमा तक जाकर विश्व में पहुंचकर प्रभावी होना शुरू हो गई है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, इनके समय में स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने भारत की रेटिंग पॉजिटिव से निगेटिव कर दी थी, स्टेबल से निगेटिव कर दी थी। वर्ल्ड बैंक ने 2008 में अपना कमेंट दिया है कि विद 55-60% ऑफ इंडियाज इरिगेटेड लैंड इज सप्लाइड बाय ग्राउंड वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इरेटिक है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं। और अब मैं बताना चाहता हूं मई 2024 में वही वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, द पॉजिटिव आउटलुक रिफ्लेक्ट्स इन अवर व्यू विद द पॉलिसी स्टेबिलिटी डीपनिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड Government's elevated debt and interest burden while bolstering economic resilience could lead to high rating over the next 24 months. यानी अब वही कह रहा है कि भारत इन शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है कि दो साल और आगे चलता रहेगा। और 2018 में जो वर्ल्ड बैंक ने कहा था वो आज कह रहा है 2018 में, अब तक तो लगभग 100% हो गया है कि 85% population has accessibility to electricity। और मैं अपने विरोधियों के लिए बताना चाहता हूँ कि ब्लूमबर्ग ने अपने इकोनॉमिक्स में कहा है, अपने रिपोर्ट में, इन द बेस्ट केस सिनारियो इंडियाज इकोनॉमी विल एक्सेलरेट बाय द रेट ऑफ 9% बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड एंड चाइना विल स्लो डाउन टू 3.5%, सो दैट पुट्स इंडिया ऑन द कोर्स टू ओवरटेक चाइना बाय द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर इंडिया बन सकता है आफ्टर 2029, और हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में 2029 से हम पहले बनकर दिखाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा, इन द मोस्ट पेसिमिस्टिक सिनारियो इफ इंडिया ग्रोज बाय 6.5% By 2037, इंडिया विल बी एबल टू ओवरटेक चाइना। मगर महोदय मैं ये बताना चाहता हूं, इन द पेसिमिस्टिक सिनेरियो, यानी अधिक निराशाजनक ढंग से भी सोचें तो 2036-37 में आगे हो जाएंगे। मगर महोदय ये बात कैसे उन लोगों को समझ में आएगी जो लोग वित्त मंत्री महोदया ने चुनाव से पहले बजट से पहले एक रस्म होती है जो हमेशा से एक परंपरा थी हलवा बनाने की, उसके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसमें एससी एसटी और ओबीसी कहां पे हैं। वैसे तो हमारे शायद वित्त राज्य मंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय ओबीसी की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने चार चार पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं, वो तो मोदी जी जब आए तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, अन्यथा। मैं हलवा और बलुआ वालों से पूछना चाहता हूं, बताएं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे, 3 के भी नाम अगर बता दें तो यह दर्शाता है। मगर दर्शाने में कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है, आपको ध्यान हो उनके लिए ये बजट एक चक्रव्यूह की तरह हो गया है। वो कहते हैं चक्रव्यूह और पद्मव्यूह समान है, पद्म मतलब लोटस यानी कमल। मगर महोदय मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूं, उनकी ज्ञान के ऊपर महोदय पद्मव्यूह चक्रव्यूह अलग है। प्राचीन भारत में पद्म व्यू है, चक्र व्यू है, गरुड़ व्यू है, क्रौंच व्यू है, चंद्र व्यू है, मकर व्यू है, त्रिशूल व्यू है, 36 प्रकार के व्यू हैं। मगर क्या करें, जिनको व्यू नजर आता हो उनके लिए हर चीज में उनको भारतीय जनता पार्टी और कमल के ऊपर आपत्ति नजर आती। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हम सब चाहते हैं इस देश में समृद्धि आए, बजट इसीलिए लाया जाता है, यानी माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, और हम सब चाहते हैं देश में प्रबुद्धता आए, माँ सरस्वती की कृपा रहे, और माँ सरस्वती भी कमल पर विराजती हैं और माँ लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना इस देश में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त रहेगा। अब मैं आगे भी बताना चाहता हूँ, आज इम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम आई, तो कोई कहते हैं कि हम अचानक इम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम आई, ऐसा नहीं था। प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने शुरू से देखिए स्टेप बाय स्टेप, उन्होंने पहले जनधन अकाउंट खोले, लोगों ने कहा पैसा कहाँ से आएगा, उन्होंने कहा आई एम हैविंग इन द माइंड तुम खाते खोलो, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया। उसके बाद मुद्रा स्कीम आई,
उसके बाद प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम आई, अरे पहले प्रोडक्ट बनेगा, फिर विश्वकर्मा स्कीम आई, फिर आप देखिए आज इंप्लॉई लिंक स्कीम आई है। जैसे जैसे हमारी समृद्धि बढ़ी, हमने जनता को श्रेय दिया। पहले 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि थी, अब इस बजट में 12,000 की। पहले 10 लाख रुपए तक की मुद्रा योजना थी, अब 20 लाख की। और महोदय इनका हथियार है भ्रम और भय, हमारा है विकास और विश्वास। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों ने मात्र 1.5 साल पहले इस बात का प्रबल प्रचार किया था कि SBI बर्बाद हो गया, LIC बर्बाद हो गया, HAL बर्बाद हो गया। तो मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि LIC ने पिछले क्वार्टर में 17,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो LIC का ऑल टाइम हाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले क्वार्टर में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर सबसे ज्यादा है, SBI का ऑल टाइम हाई नहीं है, इवन रिलायंस से भी ज्यादा है। और HAL ने 2023-24 में 29,810 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त किया है और 80,000 करोड़ रुपए के उसके ऑर्डर्स पाइपलाइन में है, जो ऑल टाइम हाई है। ये मैं केवल इसलिए बताना चाहता हूं कि सदैव मैंने सुना है सभापति महोदय कि भारत की कंपनियां पब्लिक सेक्टर की हों या प्राइवेट सेक्टर की हों, उनके बारे में दुष्प्रचार होता है। मैंने आज तक किसी विदेशी कंपनी के बारे में दुष्प्रचार होते नहीं देखा। मैं उसके बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहता, उनके लोगों की कैसे कैसे मदद की जाती है, परंतु मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं आज यह नजारा इतना बदला है कि आप सोचिए कि हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था जिस ब्रिटेन को ओवरटेक करके बने हैं, आज ब्रिटेन में इच्छा ज्यादा है कि भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। हम लोगों के बचपन में सभापति महोदय यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ब्रिटेन की इच्छा ज्यादा होगी, वहां इस बात की लालसा अधिक है कि भारत का वो हो। परंतु मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी कहते हैं कि डॉलर के प्रति कीमत कम हो गई। मुझे लगता पता नहीं वो किस जमाने में जी रहे हैं। वो दिन गए जब डॉलर वर्ल्ड की हार्ड करेंसी हुआ करता था। मैं कोट करना चाहता हूं, अब धीरे धीरे वो स्तर डॉलर का हट रहा है। इसी वर्ष May 7 को IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है, उनका लंबा स्टेटमेंट नहीं, अंतिम का वाक्य बताना चाहता हूं, इन सम द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड द रिजर्व सिस्टम कंटिन्यूज टू इवॉल्व। The patterns we highlighted earlier were gradual movement away from the dollar dominance and rising role of the non-traditional currencies of the small, open and well-managed economy. और आगे मैं कहना चाहूंगा, enabled by new digital trading technologies remain intact. तो डिजिटल इकोनॉमी जिन देशों की मजबूत है वो अब इंटैक्ट है। और आज स्थिति यह है कि सबसे बड़ा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का रेवेन्यू आता है पेट्रोल में, वो हम मुख्यतः रुपी और रूबल में प्ले कर रहे हैं। 18 देशों के साथ अब रुपए में ट्रेड की बात फाइनलाइजेशन स्टेज में है और नेपाल भूटान से तो हो भी रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे लखनऊ में महोदय कहावत होती, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाखते उड़ाया करते थे। तो मैं कहना चाहता हूं, अमा मियां वो दिन लद गए जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करता था, कि एक उनके सर के पीठ पे बेत पड़ता था तो निशान यहां बन जाते थे। अब मोदी जी के नेतृत्व में रुपया एक नए प्रभाव के साथ आगे उभरता हुआ नजर आ रहा है। एक आरोप बजट के दौरान उन लोगों ने लगाने का प्रयास किया प्रोडक्ट एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम के ऊपर, कि जैसे कोई हमने उनकी नकल करने का प्रयास किया है। महोदय मैं आपसे कहना चाहूंगा, अर्थव्यवस्था के मामले में 40 साल रूस की नकल और 20 साल अमेरिका की नकल करके जो भारत की अर्थव्यवस्था को चलाते रहे, वो अगर आज ये बताने का प्रयास करें कि नकल किसने करने का प्रयास किया। और मैं एक फैक्ट लोगों के सामने रखना चाहता हूं, अगर कोई इनकी नकल करना चाहे तो कितनी भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। महोदय इस बजट में रेवेन्यू रिसीव भारत सरकार की कितनी है, 26,80,000 करोड़। 4.9% के डेफिसिट के साथ भारत का जो कुल राजस्व है, कुल आमदनी 27 लाख करोड़ से कम है। और ये कहते थे हर परिवार को 1 लाख दे देंगे। 140 करोड़ की आबादी है, 4.5 लोग पर पर्सन, 140 करोड़ को 4.5 से डिवाइड करिए, 31 करोड़ परिवार आते हैं। आप सबको 1-1 लाख करोड़ दे देंगे, 27 लाख करोड़ की कुल आमदनी और कहते हैं 31 लाख करोड़ दे देंगे। ये दर्शाता है कि यह हकीकत और किस प्रकार का भ्रम और भय फैलाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कहते थे ना खटाखट 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 8,500 देंगे, मैं कहना चाहता हूं यहां सत्ता में आए हो दीजिए ना, कौन रोक रहा है। आप राज्यों में भी सत्ता में हैं, चलिए राज्यों के पास पैसा कम है तो 6,500 ही दे दीजिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं महोदय, जब हम विपक्ष में थे मध्य प्रदेश में, हमने लाडली बहना योजना तो अभी लागू की, लाडली लक्ष्मी योजना लागू करके दिखाई थी विपक्ष में रहते हुए। हमने गुजरात में 10% विकास दर और कृषि विकास दर करके दिखाई थी। हमने कर्नाटक में 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर में किसानों के एग्रीकल्चर लोन पे करके दिखाया था। इसलिए ये करने में नहीं, किसी भी प्रकार का हल्ला मचाने में अधिक
रुचि रखते हैं, और मैं इस बजट की एक और प्रशंसा करना चाहूँगा कि भारत की पहचान और सांस्कृतिक विषय को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए, इसके लिए नालंदा, बोधगया और उड़ीसा के लिए जिस प्रकार के धन का आवंटन किया गया है वो बहुत प्रशंसनीय है। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी हमारे मित्र इमरान प्रतापगढ़ी जी बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ, हम तो भारत की पहचान उठाना चाहते हैं, मगर इन लोगों के अरमान हमेशा पहचान छुपाने वालों के साथ ही क्यों लुगे रहते हैं। ये जिस पहचान की बात कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ महोदय, आज विपक्ष कहता है कि इस देश में हर एक व्यक्ति के जाति की पहचान होनी चाहिए और जाति का सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए। उससे कह दिया जाए कि यदि सर्टिफिकेट जो आपका ऑलरेडी इशूड है वो दिखा दो तो पहचान को खतरा उत्पन्न हो जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनके जानते हैं पहचान छुपाने वालों से अरमान कहां से जुड़े हैं? ये कहते हैं डबल ए। डबल ए का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये स्मॉल ए से कैपिटल ए कब बने थे? डबल ए आप ही के दौरे हुकूमत में बने थे, मगर इनका कैपिटल अब डबल ए से भी बड़ा हो गया, सी डबल ए। वहां भी पहचान छुपाने वालों के साथ थे और आज भी पहचान छुपाने वालों के साथ हैं, इसलिए इनकी फितरत किसी भी प्रकार से बदलती नहीं है। मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूं कि कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से 35% किया गया है, तो कहते हैं कंपनियों को फायदा दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, आज वैश्विक व्यवस्था का जमाना है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हट रही हैं, यूरोपियन यूनियन ने चाइनीज इलेक्ट्रिक कारों के ऊपर 38% ड्यूटी बढ़ा दी है, तो एक मौका है भारत के पास। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चाइना में कॉर्पोरेट टैक्स कितना? 25%, इंडोनेशिया में 22%, साउथ अफ्रीका में 27%। अगर आप कह रहे हैं 40% रहना चाहिए, तो मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछना चाहता हूं, किसकी मदद करना चाहते हैं आप? किसकी, किन देशों की कंपनियों की मदद करना चाहते हैं? ये बात आज देश के सामने बहुत साफ रुख कर सामने आ रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिनको लगता है कि टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है, तो टैक्स स्ट्रक्चर का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे सारे एसेट पे, जमीन हो, शेयर हो या सोना हो, सब पे 12.5% किया गया है। और जिनको लगता है कि कुछ सीटें कम हो गई हैं, तो उनका हौसला बढ़ गया है, तो सावन का महीना है, जैसा कि इमरान भाई कह रहे थे, तो मैं सावन के महीने पे भी कहना चाहता हूं, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, जिस महंगाई की बात ये करने का प्रयास कर रहे हैं, आज ये कहते हैं बेरोजगारी की बात, तो ईपीएफओ सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, तो हमारी इस बजट में व्यवस्था की गई है कि सरकार शुरुआत में एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूशन देगी। फिर मैं कहना चाहता हूं लेमैन्स रूप में, अगर कोई भी चीज का रोजगार सृजन नहीं हो रहा, तो 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, सबसे ऊपर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बन गए, 74 एयरपोर्ट बन गए, चिनाब में सबसे ऊंचा पुल बन गया, कोलकाता में नदी के नीचे मेट्रो बन गई है, बना कौन रहा है? सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया भारत, ये बना कौन रहा है? आसमान से जिन्नात नहीं आ रहे महोदय, कोई ना कोई बना रहा है। इसलिए आंकड़ों में देख लें या हकीकत में देख लें, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। और जो अभी उन्होंने दूध दही की बात कही थी, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं महोदय, 2004 में जाके देख लीजिए, फुल क्रीम दूध 18 रुपए का था, जब हमारी सरकार आई तो 40 रुपए का था, कितना बढ़ा? 120%। और आज कितना है? 65 रुपए का, कितना बढ़ा? 60%। तो जब तुलना की जानी चाहिए तो ईमानदारी से तुलना की जानी चाहिए। और राज्यों को देने की बात पे मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने ईमानदारी से दिया है। डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात आई, सबसे बड़ा जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो अंतर हुआ है हमारी सरकार आने के बाद, 2 डिफेंस कॉरिडोर हुए, एक उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत में। उत्तर भारत का मेरा उत्तर प्रदेश को और दक्षिण भारत तमिलनाडु को, उत्तर प्रदेश में भी उस समय हमारी सरकार नहीं थी, पर आप सोच सकते हैं सरकार आ सकती थी, तमिलनाडु में तो हमारी सरकार आने की संभावना नहीं थी, फिर भी ईमानदारी से दिया है। महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट के लिए 76,000 करोड़ रुपए दिया गया है। आज मैं बताना चाहता हूं 500 बड़ी कंपनियां जो आएंगी, तो उत्तर भारत में एनसीआर का क्षेत्र उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा, तो दिल्ली के आसपास के राज्य, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। आईफोन बनाने की फैक्ट्री तमिलनाडु और कर्नाटक में लगाई गई है, जिससे इस बात का पता चलता है। मगर एक बात मैं और कहना चाहता हूं महोदय, ये कहते हैं बिहार को बहुत दिया गया और वहां कहते हैं बिहार को कुछ नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है कि पटना और दिल्ली के बीच में इंडी गठबंधन वाले क्या हो गए हैं, जिसे मैं बिहार की एक भाषा में कहते हैं, मुझे लगता है कि लोग कन्फ्यूजिया गए हैं महोदय, ये इतना कन्फ्यूजिया गए हैं कि जिसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जो उन्हीं की शैली में था, कि बहुत पॉलिटिक्स है। मुझे लगता महोदय बहुत पॉलिटिक्स है, इसलिए दिल्ली सही बोल रहा कि पटना सही बोल रहा, पटना सही बोल रहा कि दिल्ली सही बोल रहा, यह समझ से परे है। यह दर्शाता है कि कुल मिलाकर इनके मन में मोदी विरोध की पॉलिटिक्स में इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि इनके जो फ्यूज जो है उड़ने शुरू हो गए हैं। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं
मेरा समय समाप्त की ओर है, तो मैं तेजी के साथ सिर्फ ये बताना चाहता हूं इनके मन का भाव क्या है। इनके कर्नाटक के मंत्री डीके सुरेश इस प्रकार का बयान देते हैं कि टैक्स कलेक्शन साउथ में ज्यादा है और नॉर्थ में कम है। उनसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि आप अलग होना चाहते हैं, तो वो ये भी बोल देते हैं हाँ हम इस बारे में भी सोच सकते हैं। इस प्रकार की विघटनकारी सोच। और अभी किसानों की बात कर रहे थे, 1200 किसानों ने आत्महत्या की है कर्नाटक में, और इसके बाद वहां के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह तो निजी कारणों से हुई है। यह संवेदनशीलता है किसानों के प्रति। और मैं कहना चाहूंगा कि महंगाई को लेकर जो बात कहते हैं, तो सिर्फ संक्षेप में, आज तक के इतिहास में सबसे अधिक महंगाई वाले जो वर्ष हैं और सबसे कम महंगाई वाले जो वर्ष हैं, सबसे अधिक महंगाई वाले वर्ष 1974, 91, 98, 81, 2010, 1983, 92, 80, 2009 और 1994, सबके सब आपके हैं। 76 में निगेटिव हो गई थी ग्रोथ रेट, वो एक अलग कहानी थी। अब आप आइए, लोएस्ट इन्फ्लेशन वाले रेट कौन से हैं? केवल एक कांग्रेस के दौर का है, 76, जो इमरजेंसी का दौर था। इसके अलावा 78, 2017, 2019, 2014, 2001, 2008, 2018, 2000 और 2005, यानी कि जिन्होंने सदैव महंगाई में झोंके रखा, उसके बाद भी महोदय मैं अंत में कहना चाहूंगे, उसके बाद इनकी तलखी देखिए, इनकी बदजुबानी देखिए। तो इन्होंने हिसाब किताब की बात कही थी, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा अंत में इनके लिए कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदजुबानी चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।